नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत पावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज 24 सितंबर के पीआईबी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे. आज आपके लिए दो स्पेशल टॉपिक में लेकर आया हूं. पहला जो टॉपिक है ये हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी जो हायर एजुकेशन है पर्टिकुलरली उसकी देखभाल संभालने वाला एक कमीशन जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. अब ये जो यूजीसी हैं ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में यूजीसी ने जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर्स को ये डायरेक्ट किया है या फिर ये आदेश दिया है आप कह सकते हैं कि आप वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे के तौर पर सेलिब्रेट कीजिए. इस दिन के ऊपर आपको क्या करना है कि जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको इनवाइट कीजिए, परेड्स कंडक्ट कीजिए, उनके पास लेक्चर्स यू नो डिलीवर करवाइए ताकि स्टूडेंट्स को देशभक्ति के बारे में पता चले. यूनिवर्सिटी कमीशन जो ये यूजीसी हैं वो ये मानकर चल रही हैं कि उनका मेन एजेंडा या फिर उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पत्र लिखे और पत्र लिख कर ये प्लेज या फिर ये सपोर्ट यू नो व्यक्त करें कि आर्म्ड फोर्सेस को हम सपोर्ट करते हैं. अब ये सारी चीज़ें क्या पत्र लिखकर ही साबित होती है? क्या मैंने और आपने कभी ऐसा कोई पत्र लिखा है, प्लेज ऐसी की है? अगर नहीं की है तो भी क्या हमारे दिल में उतनी ही रिस्पेक्ट नहीं है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए? एक दूसरा जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की थी, ऑफकोर्स सर्जिकल स्ट्राइक करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस टाइम पर मिलिट्री नेसेसिटी रही होगी. गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, भारत की आर्मी ने जो नियम या फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया है राइट, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए ही उन्होंने लिया था. वैसे ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में भले ही यू नो बड़ी बड़ी चीज़ें या फिर बड़ी बड़ी बातें इनके बारे में बोली जाए, छोटी सही गलत बुरी जो भी चीज़ें किसी भी चीज़ के बारे में बोली जाती है, लेकिन अपने आप में सर्जिकल स्ट्राइक जो है दैट वॉज एन आउटस्टैंडिंग थिंग. अब प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ 29 सितंबर 2016 को ये जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, क्या ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन था, सबसे जाबाज मिशन, सबसे कहें डेयरिंग मिशन हमारी आर्मी का या फिर हमारी जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो क्या उनका सबसे बड़ा मिशन यही था सो फार? ऑफकोर्स नो. आप पूछे किसी से आप पाएंगे कि इससे भी खतरनाक, इससे भी बड़े बड़े मिशंस जो हैं हमने कंडक्ट किए हैं, हमने यानी कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने. तो अगर इससे बड़े बड़े मिशंस हमने कंडक्ट किए हैं, ऑपरेशंस किए हैं, तो फिर उनको हम क्यों सेलिब्रेशन करने की बात यूजीसी नहीं कर रहा है? क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि यूजीसी भी आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स के रंग में रंग चुकी है? 65 ईयर्स पहले यूजीसी को जब इंट्रोड्यूस किया गया तब ये माना गया था कि यूजीसी के आने से हमारे देश का जो हायर एजुकेशन है उसमें एक जबरदस्त बदलाव आएगा, और सच में हुआ भी, जबरदस्त बदलाव भी आया. लेकिन ये बदलाव वो नहीं था जिसकी हमें आवश्यकता थी, ये बदलाव वो था जिसको पॉलिटिक्स की आवश्यकता, यू नो पॉलिटिकल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यूजीसी ने धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया. आप देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो होते हैं, खास करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ के वाइस चांसलर का सिलेक्शन जो है वो गवर्नर करते हैं. अब गवर्नर जो हैं वो जो भी रूलिंग पार्टी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर फिलहाल बीजेपी हैं तो बीजेपी ही गवर्नर्स के नाम तय करेगी, और उसके हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकलिटी ये है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी वो जो कहते हैं एडवाइस के ऊपर चलते हैं, तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसमें प्राइम मिनिस्टर के हेड हैं. तो प्राइम मिनिस्टर या फिर रूलिंग पार्टी के जो मेन मैन हैं उनकी सलाह पर चलते हैं प्रेसिडेंट व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग गवर्नर, और गवर्नर जो होते हैं वो उन्हीं के पार्टी के होते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको VCs भी वही लोग चुने जाते हैं जो गवर्नर के नज़दीक या फिर पार्टी के नज़दीक होते हैं. तो फिर यूनिवर्सिटी में भी आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, एंड दिस इज़ ए डार्क रियालिटी. और जब हम हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनको दूसरे देशों के साथ, खास करके डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर करें, तो वहाँ पर भी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वे चलाती हैं, चलाती इन द सेंस जो फाइनेंस है
वो प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट करती है, लेकिन इनकी बागडोल जो है वो वहाँ के हेड या फिर वीसी या फिर चांसलर जो भी हैं, अलग अलग देश में अलग अलग नाम रहते हैं, तो जो भी मेन पर्सन हैं वही सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ये जो ऑटोनोमी है वो आज भी यूजीसी ने ग्रांट नहीं की है, कहीं ना कहीं इसीलिए फिर हमारा जो पूरा एक कल्चर है, जब आपका लीडर ही, यू नो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीडर ही रीढ़ की हड्डी नहीं है उनमें, तो फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन भी वही रहेगी, यू नो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेन पर्सन है वो एक एग्जांपल सेट करे स्वतंत्रता का। और यहाँ पर तो ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल फंक्शंस और ये सारी चीज़ें होती है, और फिर ऐसे डेज भी सेलिब्रेट करने के लिए कहे जाते हैं, और इसके पीछे जो मेन रीज़न रहता है वो ये रहता है ताकि जो भी कोई पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं उन पार्टी की थोड़ी बहुत प्रशंसा हो जाए। तो दैट्स ए वेरी बैड थिंग, अनएथिकल थिंग एज वेल। टाइम्स हायर एजुकेशन का लिस्ट जो बाहर निकला एशियन यूनिवर्सिटीज इन 2018, तो इस इंडेक्स में हमारी जो इंस्टीट्यूशंस पहले अच्छे रैंक पर थी उनका रैंक भी थोड़ा गिरा है। और एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो ये आपके सिलेबस का भी पोर्शन है, और इसी के साथ साथ एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है। अगर क्वालिटी एजुकेशन हमारे यंगस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है, अगर उनको सोचने की, विचारने की, सारी चीज़ों की स्वतंत्रता दी जाती है, तो फिर हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। एक बार अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो गया तो फिर आपके पास रॉ मटेरियल भले ही क्यों ना हो, ह्यूमन कैपिटल तय कर लेगा, वो निकाल लेगा, उनके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि कहाँ से कैसा रॉ मटेरियल अगर पैदा करना है तो पैदा करेंगे, अगर बाहर से इंपोर्ट करवाना है तो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं, पूरी सोसाइटी, पूरा देश तभी डेवलप हो सकता है जब क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें प्रोवाइड, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको इसका एक्सेस हो। चाइना एक ऐसा देश है जो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी रैंकिंग में धीरे धीरे ऊपर आती जा रही है। टॉप लेवल की जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चैलेंज कर रही है आजकल चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। और मज़े की बात यह है कि चाइना में वैसे तो आपको पता है कि वन पार्टी रूल है, लेकिन फिर भी वहाँ की यूनिवर्सिटी को रीजनेबली स्पीकिंग स्वतंत्रता दी जाती है। और हमारा देश पॉलिटिकली एक डेमोक्रेटिक देश है, फिर भी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को ये स्वतंत्रता आज भी नहीं दी जाती। तो दैट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, और इट्स बेटर के जो यूजीसी हैं वो एजुकेशन को कैसे हम डेवलप कर पाएँ, यू नो, कैसे हेल्थी कंपटीशन डेवलप कर पाएँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। अगर उनका सर्कुलर ये होता कि भाई यूनिवर्सिटीज़ को, यू नो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मैनेजमेंट की अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो कैसे नई नई प्रोसेस से कैसे और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, यू नो, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर उन्होंने कहा होता तो हम समझ सकते कि देशभक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर तो यही लगता है कि पॉलिटिक्स को फैलाने की कोशिश की जा रही है बाई यूजीसी। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, हमारे पेंड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आई एम सॉरी, ये जो है 23 सितंबर वाला ये तो फिनिश हो गया है, लेकिन हमारे पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल हैं, प्लीज़ चेकआउट studyiq.com। इसके साथ आज के लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से डाउनलोड कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सिक्किम का पहला एयरपोर्ट जो पोक्यांग, जो गंगटोक के बहुत नज़दीक है, तो पोक्यांग में इसका इनोग्रेशन किया, और ये सिक्किम का सबसे पहला एयरपोर्ट है और ये भारत का 100th एयरपोर्ट है। तो भारत ने एक सेंचुरी लगा ली है इस पोक्यांग एयरपोर्ट, पोक्यांग एयरपोर्ट से हमने एक सेंचुरी लगा ली है, दैट्स ए बहुत अच्छी बात है ये। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन एन इंजन ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। ये बात बहुत सही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, दिस इज सिक्किम हियर, राइट। तो हमारे टोटल 7+1 यानी कि 8 हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, इसमें सिक्किम भी आ जाता है। जनरली 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो उसको सिक्किम को इस 7 सिस्टर में नहीं गिना जाता, लेकिन 7+1 जब बोला जाता है तब डेफिनेटली सिक्किम इसका पार्ट बन जाता है। अब ये 8 स्टेट हैं और ये 8 के 8 स्टेट में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, खाने पीने की डाइवर्सिटी है, हिमालयन है, कई जगह पर प्लेन्स भी हैं, तो ये सारी डाइवर्सिटी, यहाँ का कल्चर बहुत ही रिच है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें
टूरिज्म के कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पर हिमालयन रीजन है, कई जगहों पर तो बहुत सारी जो कहते हैं हम मेडिसिनल प्लांट्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। आपको पता ना हो तो बता दूं कि सबसे पहला जो ऑयल हमें मिला था वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिला था, लेकिन दुखद बात यह है कि उसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आजकल यहाँ पर एयर, रेल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें गांव-गांव तक पहुँचाई जा रही हैं और एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं, तो कनेक्टिविटी जब आएगी तब टूरिज्म आएगा, टूरिज्म आएगा लोग घूमने आएंगे, तब देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो ये बिज़नेस किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट होने लगेगी। इसी के साथ यहाँ के हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, फिर आपका म्यांमार है, चाइना या फिर तिब्बत है, तो ये सारी जगहों से के साथ हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जुड़ा हुआ है, और म्यांमार से थाईलैंड और थाईलैंड से दूसरे जो आसियान के देश हैं उनके साथ भी हम हमारे इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम अब आसियान के ऊपर फोकस करके बैठे हैं, ASEAN, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो आसियान है तो उनके साथ हम कैसे हमारा जो रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसको बढ़ा सकें, और कैसे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसमें एक पिवोटल रोल प्ले कर सकें। इसी के साथ ये एयरपोर्ट के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री साहब ने ये भी बताया कि एयरपोर्ट से जॉब्स क्रिएट होगी, क्योंकि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ेगी, यू नो, लोग घूमने आएंगे एक्सेट्रा, यहाँ के लोग बाहर जा पाएंगे एक्सेट्रा। और किसानों के बारे में बात बताया उन्होंने कहा कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट इस रीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिशन को भी लॉन्च किया है, और इस स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपीज़ अप्रूव भी कर दिए हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो पैकियोंग एयरपोर्ट है इसको 600 करोड़ रुपीज़ का इसमें खर्च हुआ, और जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सिटीज़ लाइक पारो, काठमांडू, ढाका, इन सब के साथ यहाँ से फिर आपको फ़्लाइट मिलेगी, इन सब के साथ इनकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, राइट फ्रेंड्स, ये देखिए दिस इज़ नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम देखिए कैसे भूटान के साथ, और कैसे यहाँ पर ये जो चाइना है उसके साथ और नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये शायद दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कभी भी मैंने तस्वीर में या फिर रियल लाइफ में देखा हो तो शायद ये हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल हैं। दूसरी भी तस्वीरें हैं, आप देखिए कितनी शानदार इसका रनवे है, और यहाँ पर जो एयरपोर्ट की जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं तो प्लेन यहाँ पर उतरेंगे, और दिस इज़ द प्लेस यार। तो एनीवेज डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद में है तो वहाँ पर साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, और इसी मौके के ऊपर उन्होंने ये बताया कि साइंटिस्ट जो हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनका जो काम है वो उनको हमेशा ये फोकस रखना चाहिए कि कैसे वो गरीब से गरीब, कैसे किसान हैं, कॉमन मैन हैं, उनके जीवन को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और इसी के साथ उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बात कही, स्पेस टेक्नोलॉजी का जो हमारे रूरल और अर्बन डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसके बारे में भी बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि इसरो जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्लीट अगर किसी के पास है कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तो वो इसरो के पास है। इसके साथ बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इन सारे प्रोग्राम्स के ऊपर मॉनिटर करना, इनका डेटा कलेक्ट करना, चाहे ये किसान सिंचाई योजना हो, चाहे MG नरेगा के तहत तालाब बनाने की बात हो, ये सारी चीज़ें हम ये जो सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, डेटा मैपिंग, ये सारी चीज़ें हम सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं, तो इसमें साइंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। नाम भी नारायण साहब हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इसरो में काम कर रहे थे। 1994 में इनको गिरफ्तार किया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया था इनके ऊपर कि ये जो हैं वो दुश्मन देशों को भारत की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं एक्सेट्रा, ये एक बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगा था उनके ऊपर। उनको टॉर्चर भी किया गया, कुछ 50 दिनों के लिए वो जेल में भी रहे। ये भी हुआ था कि उन्होंने पुलिस वाले को पूछा कि भाई आपने मुझे क्यों ऐसे ज़बरदस्ती या फिर मुझे मेरा कोई कसूर नहीं है फिर भी आपने मुझे पकड़ रखा है, तो बहुत ही एरोगेंटली
उस टाइम पर पुलिस ऑफिसर्स ने यह बताया कि अगर साहब फ्यूचर में अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो आपका जूता और हमारा सर, लेकिन फिलहाल तो आप जो हम करते हैं वही आपको करना होगा, या फिर जो भी हम करना चाहते हैं आपके साथ वो कर सकते हैं। तो टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, ये सारी चीज़ें हुई। करियर कहीं ना कहीं इनका बर्बाद कर दिया। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो हैं ये बहुत ही जो कम तापमान होता है उसके साथ डील करने वाले साइंस को हम क्रायोजेनिक कहते हैं। तो इसके ऊपर काम कर रहे थे आज से कुछ 24 साल पहले, और आप देखिए कैसे किसी का करियर इसमें बर्बाद हो जाता है, इज़न्ट इट। झूठे इल्ज़ाम जब लगाए जाते हैं और बाद में 20-25 सालों के बाद कोर्ट अगर आपको 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन भी देती है तो क्या आपका जीवन, आपका जो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका जो समय है वो कभी भी वापस आ सकेगा? नॉट एट ऑल। डॉक्टर नारायण नेरुकर थे, उनको भी एक्यूज़ किया गया था 1987 में, और 31 ईयर के बाद, इतने सालों के बाद उनको फिर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने निर्दोष जाहिर किया, और बाद में आज भी उनको पता नहीं है कि सीबीआई फिर इसके ऊपर की कोर्ट में जाएगी तो फिर से एक लीगल बैटल के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव थे रशिया की स्पेस एजेंसी में, इनका नाम था चंद्रशेखर, एन चंद्रशेखर। 76 ईयर के थे। 1994 का ये जो केस था नारायण, ये नाम भी नारायण साहब का, तो उनके साथ उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था, और कोर्ट ने जब ये 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त ये हॉस्पिटल में थे। इनफैक्ट उस वक्त ये खबर आई उससे कुछ टाइम पहले ही वो कोमा में चले गए और हमें सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये दिन का उनको मीन्स इंतज़ार कर रहे थे कुछ 20 सालों से कि ये शब्द उनको सुनने के लिए मिल जाए, लेकिन वो नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ जस्टिस है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि जितने भी पुलिस वाले इसमें यू नो एसोसिएटेड थे, जिन्होंने ये गलत केस फाइल किया, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो गलत हैं, आज वो रिटायर होकर कहीं पर बैठे होंगे। उन्होंने तो किसी और की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दी, सैलरी भी ले ली, पूरी अपनी लाइफ तो उन्होंने गुजार ली, राइट, लेकिन आज भी इंसाफ नहीं हुआ है। वी शुड मेक श्योर कि ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो ऐसा काम करते हैं तो उनको रिटायरमेंट भी क्यों ना हो गया हो उनका, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसके साथ आज का लास्ट टॉपिक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो हैं तो उनमें कुछ इस कम्युनिटी के कुछ ऐसे परिवार हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसे FGM भी कहा जाता है, तो FGM की प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक यूनाइटेड नेशन का जो राइट्स ऑफ चाइल्ड है और यूनाइटेड नेशंस का ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो इसके विरुद्ध में है। भारत ने इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भारत सिग्नेटरी है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो बच्चियां हैं तो उनको इस FGM से बचाएं। और ये रहा एक छोटा सा, आप कह सकते हैं कि एक यू नो एक मैप है। तो FGM जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है अगर कहीं पर तो ये इंडोनेशिया में बहुत प्रिविलेंट है, फिर यमन है, ओमान है, इसी के साथ साथ अफ्रीका के बहुत सारे देशों में यह बहुत ही प्रिविलेंट है। भारत की कुछ कम्युनिटीज़ इसको प्रैक्टिस करती हैं और कई कई बार हमें सऊदी अरेबिया में, सीरिया में या फिर थाईलैंड में, फिलीपींस में भी ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स, और ये रहे आपके आंसर्स। फ्लैग जो था वो ईरान का था, ऑस्ट्रेलिया और जापान इज़ द राइट आंसर, 29th जून इज़ द राइट आंसर एज वेल। आज का आपका एक GK बेस्ड क्वेश्चन है, एक UPSC टाइप क्वेश्चन है, और आपको आइडेंटिफाई करना है इस फ्लैग को, यह किस देश का है, और इसी के साथ ये भी बताना है कि ये देश जो है ये न्यूज़ में या फिर करंट अफेयर्स में क्यों रहा था। That's everything in today's discussion. Thank you very much for listening. Enjoy your studies. Jai Hind.